हाँ ना, यही मेरा मतलब है कि क्या हम भी फर्स्ट ईयर वालों को उतने ही बड़े लगते हैं जितना काजिम शिगरी हमें लगा करता था। तो तेरा पॉइंट है, सवाल है तेरा, तू जरा मालूम करवा लोगों से, लेकिन अपने बारे में मुझे तो अपना पता है। तुझे क्या पता है? यार मैं जब से फर्स्ट ईयर में हूँ ना, रोजाना अपने आप को आईने में देख रहा हूँ। अगर मुझ में कोई चेंज आई होती तो मुझे पता चल जाती। ओ नहीं यार, चेंज का ऐसे पता नहीं चलता। अगर तुझे चेंज का पता करना है ना, तो तुझे अपने आप को उसी फर्स्ट ईयर वाले एंगल से अपने आप को देखना पड़ेगा। आज मेरे कॉलेज में पहला दिन है। हाय। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पढ़ती हैं इस कॉलेज में? मतलब मैंने कभी आपको देखा नहीं यहाँ इस कॉलेज में। जी हाँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ती तो नहीं हूँ, लेकिन एडमिशन फॉर्म लेने आई हूँ। ओह, तो मिला आपको? अभी कहाँ, अभी तो मैं एंटर कर रही हूँ। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब है मुझे एडमिशन फॉर्म दिलवा दें। एडमिशन फॉर्म मैं आपको ज़रूर दिलवा देता, बल्कि मैं आपको एडमिशन भी दिलवा देता, मगर मैं ज़रा बिजी हूँ। बिजी हो तुम? तो कोई बात नहीं, खैर है, मैं आपके लिए मैं काम कर देता हूँ। हाय, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो चलें फिर? जी बिल्कुल, थैंक यू। छोड़ूंगा नहीं इस अली के बच्चे को मैं। मैडम मुझे माफ कर दे, मैंने बड़ी मजबूरी में चोरी की थी, मुझे माफ कर दे मैडम। चोरी? कैसी चोरी? मैडम मुझे हॉस्टल से मैंने बल्ब चुराया था, मैंने बड़ी मजबूरी में चुराया था मैडम। मेरे कमरे में लाइट नहीं थी, इसलिए मैंने हॉस्टल के बाथरूम से बल्ब चुरा लिया। मैडम मैं कसम खा दो, मैं अभी जाके बल्ब वापस लगा दूंगा, मुझे माफ कर दे। वो तो क्या कह रहे हो, मैंने तो तुम्हें किसी बल्ब के लिए नहीं बुलवाया है। अच्छा, मैडम आपने मुझे किस सिलसिले में बुलाया? आपने तो मेरे दिल में सीनियर्स और फूलिंग को बिल्कुल अलग करके रख दिया। हाँ, अच्छा नहीं, वो तो सब ठीक है, ऊपर देखो जरा। ऊपर? आप जरा ऊपर देखेंगे? ऊपर, ऊपर। लेकिन मैंने सोचा ये है कि बजाय इसके कि हम बेशुमार लड़कियों के साथ दोस्ती रखें, कोई एक पिक करें और शादी कर लें। हाँ, क्योंकि लड़की को तो हमसे शादी करने पे कोई एतराज होगा नहीं, मसला हमारा है कि हम किस लड़की को मौका देते हैं कि वो शादी करे। तो चलें। तो फिर आयशा, क्या सोचा तुमने? पता नहीं अली जफर अब तक न जाने क्या क्या कर चुका होगा। यार मेरा भी एक दांत गिर गया और मेरे क्या करें बता, चल के पता करते हैं। आर्या, इतनी
परेशान क्यों हो? यार वो सुबह सुबह ही मैंने अपनी गाड़ी से रेहान को टक्कर मार दी। रेहान? कौन सा रेहान? रेहान अफसर? नहीं नहीं यार, वो थर्ड ईयर वाला नाजुक रेहान। ओ, रेहान और अली आरिफ। तुम्हें कैसे पता? मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें फिर धोखा देंगे। मैंने आज उन्हें खुद सुबह तुम्हारी गाड़ी में गाने सुनते हुए देखा था। मैं कॉलेज आ रही थी और वो कॉलेज से दूसरी तरफ कहीं जा रहे थे। सना तुम ऐसा करना कि तुम उनको मत बताना कि तुमने ये बात मुझे बता दी। फिर देखना मैं इन्हें ऐसा मजा चिखाऊंगी कि हमेशा के लिए याद रखेंगे। यार वैसे एंड हो गया जो हमने मारिया के साथ किया। नहीं हमने नहीं, तुमने। इस सारी प्लानिंग तुम्हारी थी और तुमने मुझे सिर्फ यूज किया। मैं गाड़ी चाहिए थी और मैंने तुम्हें ये मशवरा दिया कि मैं तुम्हें जो है गाड़ी जो है दिलवा दूंगा और तुमसे मेरा साथ दो, ठीक है? और तुमने मेरा साथ दिया और गाड़ी तुम्हारे पास है। अब तुम्हें ये बताओ कि सामान कहाँ से उठाना है? आगे हॉल रोड से। हॉल रोड से? तो यार पहले बताते ना यार, हम लोग इतना आगे निकल आए, बेचारी मारिया के तो पेट्रोल जाया हो गया। कुछ नहीं यार, बाल काले कर रहा हूँ। तूने तो कहा था कि आज हम चल के लड़कों से राय लेंगे, तो तू बाल काले कर रहा है? फुरकान हमारे ईयर में? आपके ख्याल में हम कौन से ईयर में? फोर्थ ईयर में। ओ जाओ भाई यहाँ से, या कोई फुरकान शुरकान नहीं होता, किसी और हॉस्टल में ढूंढो। पता तो यही बताया था। पता ये बता दे, एक बार कह तो दिया कि यहाँ कोई नहीं होता, यहाँ से निकलो, दफा हो यहाँ से। हाँ भाई, डरते क्यों हो? निकलो यार, अब हम फोर्थ ईयर के लगते हैं। और दिमाग खराब है यार इसका, वो हम तो फर्स्ट ईयर के भी नहीं लगते। ओ चल उठ के पता करते। उठ उठ, शाबाश, हिम्मत नहीं आ रही यार। मसलन हम फर्स्ट ईयर के भी नहीं लगते। यार वैसे एक बात तो बता, आज हमारे कॉलेज में इतने थोड़े लोग क्यों थे? यार वो असल में पीर की भी छुट्टी मिल रही थी। अच्छा। जुम्मे की तो छुट्टी है ही। अच्छा। और सिर्फ एक हफ्ते की वजह से लोगों को चार दिन की छुट्टी मिल रही थी। ओह। तो इसलिए सब आज गायब हो गए, गए मरीशरी घूमने। तो ये आइडिया हमें क्यों नहीं आया? यार मुझे तो कोई अफसोस नहीं है, अच्छा है आज की क्लास मिस नहीं। अच्छा, और बाकी हमारे दोस्त क्या, सारे बैठे हैं सारे हॉस्टल में आराम कर? अच्छा यार, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारी चीज़ें जो है कॉलेज में ड्रॉप करके मैं भी हॉस्टल में सोने चला जाता हूँ। हाँ ये ठीक है। ठीक है ना? सही। हाँ सही। इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, भाई जी, इब्राहिम भाई आपसे कह रहा हूँ, वो देखें मेरी एक असाइनमेंट में प्लीज हेल्प कर दें। यार ये तो बात की बात है, तूने मुझे भाई कैसे कहा है? वो देखिए आप इतने साल सीनियर है मेरे, तो मैं भाई कहूंगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बड़े भाई की तरह तो आपको भाई क्या? इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई जा रहे हैं, उसका बड़ा भाई लगता है। ले वो तो चले गए, आप ही मेरी हेल्प कर दें प्लीज। फैसल भाई, भाई भाई किसको कहा तूने? आपको कहा है? तेरे बराबर हूँ मैं उम्र में। भाई बड़ा आया, भाई बुड्ढा। अंकल अंकल, हमारी बॉल दे दे, हमने क्रिकेट खेलनी है अंकल, प्लीज जल्दी दे दे। Thank you.
रेहान सारा सामान ले लिया ना, कुछ रह तो नहीं गया? हाँ सब कुछ ले लिया है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच के बच्चे, तुमने अभी मेरे साथ वादा किया था कि तुम मेरे साथ हिस्ट्री ऑफ आर्ट की असाइनमेंट जो है करवाओगे। हाँ करवा दूंगा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ओए आगे देख। किधर का प्लान है चाचा? चाचा यार आप तो खुद हमारे सीनियर हो, आप हमें क्यों चाचा कह रहे हो भाई? यार तुम दोनों लगते तो चाचा कैरेक्टर ही हो ना, तो फिर तुम्हें चाचा नहीं कहें तो और क्या कहें हैं? किधर का प्लान है चाचा? कहीं का प्लान नहीं है। कहीं का प्लान नहीं है तो फिर मेरा कमरा सेट कराने में मेरी हेल्प कर दे यार चाचा। कोई चक्कर नहीं है मामा। चल यार मैं मामा लगता इतना बड़ा हो गया हूँ। ओ यार अब तो अपने सीनियर्स ने चाचा चाचा तो लग रहा है कि हम हो गए। तो मुझे तो इस मसले का कोई हल भी नजर नहीं। साद और नोस? हाँ साद और नोस को पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा अपनी फिटनेस का ख्याल है। साद और नोस होंगे कहाँ? जिम में होंगे और कहाँ होंगे? जिम? मैंने इतना फिट कर दिया है ना कि अब इन्हें वापस आने दो, देखना इनके साथ क्या होगा। ऐसा क्या किया है? मैं प्रिंसिपल साहिबा के पास गई और मैंने कहा ये दो लड़के मेरी गाड़ी चोरी करके चले गए, अब आप इनका कुछ करें। तो उन्होंने कहा मैं फिक्र नहीं करूँ, मैं इन चौकीदार को एक्टिव पे रख देती हूँ, जैसे ये लोग आएंगे लंबी कुट चढ़ने वाली है। Very good, अच्छा प्लान है। लेकिन अगर वो दोनों आज ना आए फिर? खैर अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरा दिन वो आए ही ना। लेकिन हम क्या अब सारा दिन उनका इंतजार करेंगे? नहीं यार वैसे प्रिंसिपल पे छोड़ दिया है ना, तो बस अब वो जब भी जैसे ही आएंगे वो हमें बता देंगे। बहुत बहुत जबरदस्त यार। यार तुम लोग जिम में रोजाना कितना टाइम लगाते हो? यार हम सारा दिन ही जिम में रहते हैं, सिर्फ खाना टॉयलेट और कॉलेज के लिए ब्रेक करते हैं, और कभी कभी मेहमान आ जाए तो उसके लिए ब्रेक, वरना दिन रात इधर ही। अच्छा भाई कोई हमें भी टेस्ट दो, कोई एक्सरसाइज की, कोई हम भी बॉडी शेडिंग, हां बॉडी शेडिंग बनाएं कोई हम। हां अच्छा आ जा आ जा आ जा। मुझे मालूम है। कैसा है वो? उसकी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा और मेरी गाड़ी कहाँ है? वो
वो जो है तुम्हारी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया और मैं रेहान को बड़ी सख्त चोटें आई हैं, उसको भी मैं बड़ी हॉस्पिटल में छोड़ के आ रहा हूँ और तुम्हारी गाड़ी को वर्कशॉप में। झूठ की भी हद होती है अली, बस करो। और झूठ मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मुझे सब पता चल गया है। तुमने सिर्फ रेहान को मेरी गाड़ी लेने के लिए यूज किया था। हाँ, लेकिन मैं वाकई में सही कह रहा हूँ। आपका ख्याल है कि खाली आप समझदार है, बाकी सब बेवकूफ है। नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ, मेरी बात मानो तुम लोग। इफ्रान जी, इस साइको को प्रिंसिपल के पास ले जाओ। नहीं लेकिन चलना गाड़ी नहीं चाहिए। हाँ तो फिर चल ना। और हाँ, अपने की पैर के लेके असर में ना जो है तो वाल ना। चलो चलो चलो। नहीं, आज के दिन आप अपनी गाड़ी हमसे दूर रखें। क्या मतलब है आपका? ऐसा ना हो कि हम आपकी गाड़ी धोखे से आपसे छीन कर ले जाएं। आपकी बात की मुझे तो समझ नहीं आ रही। क्या करे, पागल तो नहीं हो गए तू? पागल नहीं हुआ हूँ मैं, नहीं जान बचाई है मैंने, सामान कल ले लेंगे। जान बचाई है, पागल क्या यार, चल जैसे तेरी मर्जी। हाँ ठीक। हड्डियां जवाब दे गई हैं, अच्छे भले फिट थे इस एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज ने बुड्ढा कर दिया यार। अरे यार, मैं तो अगर अपनी फर्स्ट ईयर के बारे में सोचूं, यार जब मैं नया नया इस कॉलेज में आया था। मैडम ये देखिए, सीनियर्स ने आज फिर मेरे नाम का पोस्टर लगा दिया। बकवास कर रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। शिकायत लगाई थी या नहीं लगाई थी? लगाई थी तो कोई बात नहीं जिगर, ये तो तेरा हक है, लगा शिकायत। ओए, तू हॉस्टल शिफ्ट हो रहा है? हाँ जी। कब से? आज से ही। तो फिर आज हॉस्टल में मिलते हैं। ये चीज आ जाए। हाँ ये चीज। यार वैसे एक बात है, एटलीस्ट मेरे में कोई खास फर्क नहीं आया तुम्हारी तरह। यार मुझे लगता है आ ही गया है वैसे। क्या करें यार, सुबह से लोग चाचा मामा भैया कह रहे हैं, याद नहीं। जी इब्राहिम भाई, आपसे कह रहा हूँ, वो देखें मेरी एक असाइनमेंट में प्लीज हेल्प कर दें। अंकल अंकल, हमारी बॉल दे दे, हमने क्रिकेट। हम कौन से ईयर में? हेल्प कर दें। चले गए प्लीज फैसल भाई। भाई चाचा, यार इस डिप्रेशन का आखिर क्या हाल है यार? मेरे पास इसका एक हल है। क्या? चल आए। आराम से उतर। आराम। अच्छा अच्छा, किधर जा रहे हो यार? कोई आराम शराम करें। ओ बाबे, ओ मर जाएगा, बुड्ढा हो गया तू। ऐसे काम ना किया कर अब। ओ मत उठाओ, ये हाथ टूट जाएंगे बुड्ढे। अंकल क्या सीन है, किधर? अच्छा, ओ भैया किधर जा रहा है? ओ भाईजान, अब आप बुड्ढे हो गए हैं भैया, कोई सीन नहीं है आपका। चाचू